What's up, people? Today I am at Uttarakhand. Now the second part of the whole series is starting. Himachal is done. The next part is Uttarakhand, and I'm at Uttarakhand at my friend's place, my dear friend Shiva, and another dear friend of mine, Vaibhavi. Today's plan is to go to Naktibar trek. We're doing a trek, but to get to that place, we have hired two bikes. Dono dhanno apni khadi hai niche. One is a Royal Enfield, both are Royal Enfields. One is an apna Himalayan, another one is a 350 Thunderbird. I'm riding a Thunderbird, he's riding a Himalayan. I also was looking at riding a Himalayan, lekin apne ko achhi gaadi mili nahi, to hum Thunderbird chala rahe. To ye hai plan, ab hum niklenge. Ye Shiva ka jagah hai, yahin pe rehta hai Shiva, Dehradun mein. I'm at Dehradun se ab yahan aage jayenge. To ye plan hai aaj ka. अब चलते हैं आगे, फिर करते हैं कुछ. रनिंग लेट वैसे भी. हाँ, वो हम हमेशा कहे, नया बात नहीं. ऑलराइट, टाइम टू मूव. नाक्तिबार इज बाय. सो हियर बिहाइंड दिस ट्री इज द क्लॉक टावर ऑफ देहरादून. दिख तो नहीं रहा, बट देखो थोड़ा बहुत आपको जो दिख सकता है मैं दिखा दूंगा. ये रहा, दिस इज द क्लॉक टावर. Alright. Like a proper market area. This is the base of Mussoorie. मतलब यहीं से पहाड़ चालू होती है, तो यहाँ पे ठंड already बढ़ चुकी है. The temperature has gone down. But that's what we're going for. The bike is in a good condition, I can tell you. Only thing is my helmet. मतलब मेरे को लगता है helmet सिर्फ हवा से मुझे बचाने के लिए है, ठंडी हवा से. बल्कि अगर सर अपट गया, समथिंग हैपेंस, द हेलमेट्स नॉट गोना सेव मी. आई ट्राइड आस्किंग फॉर डिफरेंट हेलमेट्स, आई गॉट पिस्ड ऑफ यस्टरडे, बट नो, हेलमेट का कोई ऑप्शन ही नहीं था. ये सबसे बेस्ट लेके आया हूँ. वाइज़र कुछ नहीं दिखता, वाइज़र से नथिंग एट ऑल. आई कॉन्ट सी एनी सिंगल थिंग फ्रॉम द वाइज़र, एस्पेशली व्हेन गेट्स डार्क, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू राइड. अच्छा, नाउ टेल मी, अभी क्या पंतवाड़ी जा रहे हैं हम? पहले मसूरी चढ़ेंगे, फिर मसूरी उतरेंगे, फिर आएगा पंतवाड़ी. चढ़ेंगे केम्प्टी फॉल्स, आएगा केम्प्टी फॉल्स क्रॉस करेंगे, वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट खाएंगे. ब्रेकफास्ट के बाद हम मसूरी उतरेंगे, यमुना नदी आएगी, यमुना नदी में पैर गीले करेंगे, वहाँ से हम जाएंगे सीधे नैन बाग. मैं नहीं गीला करूँगा, मैं तो करूँगा. आप जूता निकालना वाला काम मैं करूँगा ही नहीं. क्या ऐसी नदी दिखेगी नहीं, इतना साफ साफ पानी. वहाँ से नैनबाग से राइट मार के 12 किलोमीटर ऊपर पंतवाड़ी. अच्छा, ठीक है, कर लेते. मिस गोड से वैभवी, मिस वैभवी, व्हाट्स अप, एंजॉयिंग? हिमाचल इज मोर अबाउट हिल्स एंड ड्राई हिल्स, लाइक ब्राउन ब्राउन दिखता है मेरे को. यहाँ पे उत्तराखंड मसूरी वगैरह जो है, यहाँ पे इट्स मोर ऑफ ग्रीनरी. द जितने भी पहाड़ हैं सब हरी भरी हैं. सो लुक्स ब्यूटीफुल. यहाँ का ब्यूटी बहुत अलग है. द रोड्स आर लाइक वेरी नाइस ओवर हियर, वेल पेव्ड रोड्स. एंड अपना शिवा भाई ज़्यादा बाइकर नहीं, इज नॉट लाइक अ प्रॉपर बाइकर और समथिंग, बट इज डूइंग प्रीटी वेल इन टर्म्स ऑफ राइडिंग. क्या बात है, मेरा भाई ये चला है ना, खून में रहेगा बाइक. ओके, दिस इज लाइब्रेरी रोड, हार्ट ऑफ मसूरी. नाउ वी नीड टू गेट डाउन द हिल टू गो टू पंतवाड़ी. इट्स अनदर वैली ऑल टुगेदर, इट्स अनदर हिल विच वेयर वी गोइंग. टाइम फॉर सम मैगी एट राल रेस्टोरेंट. लाइब्रेरी पॉइंट से 2-3 किलोमीटर नीचे, राइट. शिवा अच्छे से जानता है इस जगह को, उनके ओनर्स वगैरह को, तो उसने बोला यहीं पे आके खाते हैं. रिलेशनशिप, यू नो, रिलेशनशिप, बिजनेस एंड इट्स रिलेशनशिप्स. तो वी कम ओवर हियर, प्रीटी डिसेंट फूड एंड प्रीटी डिसेंट व्यू. वहाँ पे स्नो माउंटेन्स हैं, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कैमरा जस्टिस नहीं करेगा, बट हाँ अच्छी जगह है. और अभी धनौल्टी, नहीं धनौल्टी की बोल रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं हम, पंतवाड़ी.
पंतवाड़ी है 50 किलोमीटर दूर, लगेगा हमें 1.5 घंटा। ओके व्हाट यू सी देयर इज केम्प्टी वाटरफॉल्स, इट्स सो प्रिटी यार, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। इसी ब्रिज के नीचे से जा रहा है केम्प्टी वाटरफॉल, यहाँ पे दिख जाएगा थोड़ा। यू गो, सपोज टू बी अ फेमस वाटरफॉल नियर देहरादून। ये रोड्स इतने पतले हैं यार, और मस्त लग रहा है यहाँ पे चलाने में, ट्विस्टीज एंड स्मॉल रोड्स एंड डिसेंट रोड, खराब होते तो बात अलग होती, रोड्स अच्छे हैं यहाँ पे। यमुना नदी फ्लोइंग राइट नेक्स्ट टू मी। दिल्ली में यमुना नदी देखना चाहिए, गटर जैसा है, और यहाँ देखो यार, सो क्लीन, सो प्योर, फ्यूल्ड अप। आई लव द टैंक कैपेसिटी इन दिस यार, मतलब मेरा अभी रिजर्व में आया और मैंने अभी 1200 ऑलमोस्ट 1300 रुपये का पेट्रोल भरा दिया यार। मैं हाल ही में अपने रोस्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 का ही मेरा फुल टैंक हो जाता है, इसका ज़बरदस्त है यार। क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व संतराम सिंह पवार स्मृति द्वार, बाप रे बाप रे, मैं थक गया हूँ पड़ के। क्या हो गया? वो रोड है ना, वो वेरी नाइस रोड, प्रॉपर टूर तक ही जाने का। ओके सो पंतवाड़ी इज जस्ट 5 किलोमीटर्स, नॉट इवन 4 किलोमीटर्स और समथिंग फ्रॉम हियर। We are very close to Pantwari and हाँ, इसके बाद सीधा पंतवारी पे शूट करूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पक्के से बता सकता हूँ, दावे से बता सकता हूँ, ये रास्ते बड़े अच्छे हैं, बेस्ट मिंट फॉर मोटरसाइकिल्स टू क्रूज। ये देखो वापस रोक रहा मेरा भाई। वी हैव प्लान्स, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट दैट विलेज व्हाट यू सी, हम लोग ऐसे विलेज में एक रात रुकने के प्लान कर रहे हैं, एक फील लेने के लिए कि ये पहाड़ी लोग, उत्तराखंड के पहाड़ी लोग रहते कैसे हैं, यू नो दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी नाइस फील। लेट्स सी, अगर हो पाए तो विल डू इट, अदरवाइज लीव इट। चल भाई, हाउ आर यू फीलिंग वैभवी कोच से? बम दुख रहा है मेरा बहुत ज़्यादा अभी नहीं। बम दुख रहा है, ओके। वैभवी का बम दुख रहा है, बैठे बैठे। वैभवी मुझे तब से पीछे से हेलमेट से मेरे सर पे मारे जा रही है, ठाड़ ठाड़ ठाड़। There's this small little thing here. Hey, hey, hi, what's up? Meh. We going? Hello. Hello. So we are actually going to a local person's house for lunch. This is going to be an experience, yeah. But you know what I remember? I was playing this game called as Far Cry, and in that game, everything what do you see there is like this. Yeah, it's like Far Cry, I'm telling you. Look at these walls.
Wow. They put stones on top of the house, huh? बर्फ पड़ती है हाँ पूरी नहीं नहीं पूरी कहीं पर कमी पड़ती है तब पड़ती है लेकिन हाँ अच्छा बढ़िया यार चलो अभी खाना खाते हैं हाँ क्या है नॉन वेज वेज दोनों ही नहीं नॉन वेज तो नहीं होगा वेज वेज है चलो इसके लिए अच्छा है ये वेजिटेरियन है This is the first time I'm actually tasting something like this. It's just mustard seeds plant, the leaf, and it tastes like spinach. It's nice. बहुत अच्छा लगा है मतलब बहुत अलग खाना है. Off-roading with an amazing view and going through the edges of the mountain. What else do you need, yeah? This is perfect. Also. I'm feeling so light. I mean, the bike feels so light after taking all the luggages out. Because we've kept all the luggages, the helmet, everything at Nitesh's place where we had our lunch. Because, you know, we can't trek with our helmets and with like those heavy bags. So we transferred everything to one bag which he's wearing. And obviously my camera bag, drone wagera, sari cheeze, wo to lagti hi hain. Wahi hai. अपना लाइफ उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है ड्रोन और ये वगैरह सो द नाग टिब्बा ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड दिस इज द ट्रेल हाँ भाई सही जा रहे हैं ये पूरा सीरीज का एक्सपीरियंस ही अलग है अरे ठंड में पसीना आ गया बहुत चढ़ लिया भाई खच्चर मेरा बैग भी भाई ले लिया है भाई कितना लाइट फील हो रहा है उसके साथ ऐसा लग रहा क्या चल रहा हूँ मैं बैग के साथ को खच्चर को दे दिया मैंने शिट गिर गया था मैं ये प्रॉब्लम है व्लॉग कर करके चलने में तो आ गए काफ़ी ऊपर ऑलरेडी हाफने लग गए अब ऐसा है कि और 45 मिनट्स के आसपास जाना है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ हम मेन नाग टिब्बा समिट नहीं जा रहे पहले हम बेस कैम्प जा रहे हैं बेस कैम्प में रात बिताएंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे समिट के लिए अर्ली 3-4 बजे निकलना चाहिए 4 बजे तक एटलीस्ट तब जा कर के अर्ली मॉर्निंग के जो पहले सनराइज है वो देख सकते हैं हम सनराइज जो है मैंने ना ट्रैक पैरली कभी किया है मतलब ट्रैकिंग का आदत नहीं है यार बाइक लो और निकलो कहीं पे जाओ अच्छे अच्छे लोकेशंस देखो बाइक पे ऑफ रोडिंग करो पैर से ऑफ रोडिंग नहीं करता मैं बेस कैंप पहुंच गए ये रहा दैट्स द बेस कैंप चलो अच्छा है आप थोड़ा रेस्ट करेंगे तो टाइम लैप्स लेंगे ड्रोन शॉट लेंगे आप लोग एंजॉय करो और वीडियो को एंड तक देखो और अगर लगता है आपको व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माइनिंग माइल्स
Just done with the drone shots and everything. This place is so beautiful. Look at this. Look at this. This is mind blowing, bro. And I really need to thank this guy for it. Yo, man. It's all because of him that I'm at Uttarakhand. I'm at Naktib. I'm not yet at Naktiba, but I'm at the base camp of Naktiba. And we're doing the summit tomorrow. This is amazing, yeah. Like, kya bolo? This is a superb feel. Show them that valley, na. I mean, I want to show you the valley, yeah, but like, I'm telling you, it won't do justice because what you see from your naked eyes is the best thing. But yeah, there are like range of mountains there. Bahut zabardast. Aur hamara base camp yahan pe hai, iske just niche upar. Is a base camp, and we've just come here just to take some drone shots and some time lapse. अभी टेंट के अंदर है हम, बस डिनर हो गया, सब हो गया, बस अभी ठंड बहुत है बाहर, टेंट के अंदर बैठना ज़्यादा बेहतर लगा, कैंप फायर भी ख़त्म हो गया, बस ऐसा है, व्लॉग एंड करने का टाइम है, आज रात अभी अराउंड 9:15, 9:30 के आसपास हो रहा है अभी टाइम, सोने का टाइम है, कल सुबह 3 बजे उठना है, उसके बाद 4 बजे निकलना है, नाक्टिबा ट्रैक, फाइनली समिट का टाइम है, जल्दी सोएंगे, उठेंगे. That's it, yaar. That's it. Signing out will be done by my special friend over here, whose name is Shiva. Hey guys, I hope you guys are enjoying his videos. Do watch it, subscribe, like, comment, and make sure that you have a good time.